देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हिंदुत्व के अपमान से कांग्रेस के सहयोगी भी अब नाराज हो चुके हैं। शिवसेना नाराज हुई है हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान को लेकर। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को नसीहत दे दी है, ऐसे विवाद से कांग्रेस को ही नुकसान हो सकता है, ये संजय राउत ने कहा है। हाशिए पर जा चुके नेता नुकसान पहुंचा रहे, ये भी राउत का कहना है। और तो और राउत ने यह कह दिया कि किताब बेचने के लिए खुर्शीद का ये पूरा का पूरा पब्लिसिटी स्टंट था। आपको सुनवाते हैं कि संजय राउत ने किस तरीके से अपने ही सहयोगी दल कांग्रेस को नसीहत दिए। अब सलमान खुर्शीद कहाँ के कांग्रेस के नेता रह गए मुझे बताइए। एक जमाने में मंत्री रहे, उनके खानदान की परंपरा बहुत बड़ी है, उनके पूर्वज भी कांग्रेस के साथ जुड़े थे, लेकिन अभी ये कहाँ कोने में पड़े रहते हैं लोग, तो हिंदुत्व के ऊपर क्रिटिसाइज करके पब्लिसिटी में आना चाहते हैं। हिंदुत्व की तुलना बोको हराम हो, जिहादी हो, इसी से करना, उससे के हिंदुत्व का नाम खराब नहीं होता है। और चलिए हितेन का हम रुख कर लेते हैं। हितेन, पराए तो पराए जो अपने हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ, अब वो भी बखिया उधेड़ है कांग्रेस की। देखिए निश्चित शालिन जी सही कहा आपने, शिवसेना की जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व वाली थी, भले सरकार बनाने के लिए आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करते हुए आज सरकार में साथ है, और बीते डेढ़ दो वर्ष से भले वो कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी से दूर होते नजर आ रहे, लेकिन जब जब राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर या फिर कांग्रेस के कुछ नेता हिंदू या हिंदुत्व को लेकर कुछ कमेंट करते, तो निश्चित तौर पर संजय राउत जो है वो आते हैं सामने और अपने सहयोगियों को वो नसीहत देते भी नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना जो असल उनका मुद्दा था उससे दूर होती नजर आ रही है। अगर वो कांग्रेस को कुछ सीख दे रहे या राहुल गांधी जब इसमें कूदे हैं, तो अब ये भी देखिए कहा जा रहा है कि जो राहुल का भी बयान है वो लोगों की मूल भावना के खिलाफ है। देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ और होता है।